चले जी नीचे अब जी जी चलो जी चले जी उतरते जाए। नाज़रीन ये है जी वैली जिसको हमने क्रॉस किया है, ये एक इस तरफ पहाड़ और दूसरा ये वाला पहाड़, तो इन दोनों के दामन में हम लोग हाइकिंग करते करते जो है वो उस जगह बिल्कुल पीछे वो जो आपको आखिरी जो पहाड़ नज़र आ रहा है इस पहाड़ के कह लें के बेस तक हम लोग पहुँचे हैं। अब यहाँ से जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो दुगनी हो चुकी है। सबसे तेज कौन भागेगा? आए अब नहीं भागना किसी ने पुत्र, मुझे पता है। हैं? नहीं नहीं ट्राई नहीं करनी, मजाक करूँ मैं। ना 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 आराम से आप एक कदम उठाओगे दूसरा खुद ब खुद उठेगा ना, इसलिए आप जो है ना वो चलते जाएं सीधे रास्ते से निकले। वो दूसरा कदम मजबूर है बेचारा, वो खुद उठ जाएगा। शाबाश चलते जाओ। अभी तो माशाल्लाह अभी तो आप नौजवान है, जवान भी नहीं है नौजवान है आप, चारों के चारों नौजवान है। वो कांटा लग गया पता नहीं चला, खारिश शुरू हो गई है। ओह क्या हुआ? गीला करो गीला करो। ओह बहुत सख्त लगा इस जगह पे कांटा, कांटा लगा, एक और लग गया। ये है वो गंदी बूटी। भाई यार मैं इसको देखा ही नहीं है, इधर पानी नहीं है, नीचे चलो नीचे चलो। ये अपना यहाँ पे हाथ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे बस आ जाओ तब तक खारिश ज्यादा हो जाएगी। हाँ खारिश ज्यादा ही हो रही है। इसका इलाज मुझे बच्चों ने ये बताया है कि जो ही खारिश शुरू हो तो इस पानी में आप जो है वो अपने हाथ को रख लें या जिस जगह ये कांटा चुभे उसी जगह पे रख लें। हाँ 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 बड़ा सुकून। ओ यार क्या दिखाऊँ अल्लाह के बंदे, तबाहियाँ फिर गई हैं। चलो ये रेड हो गया, देखो प्यास लगी है बहुत, तो पानी हम साथ नहीं लाए तो इस पानी पे गुजारा करेंगे। ये प्योर मिनरल वाटर है, ये ठंड है इसलिए मैं ऐसा पी रहा हूँ, गले में लग गया। ये चलने के बाद पसीने के ऊपर पानी गले लगता है फिर।
नाज़रीन, ये जो आपको सामने दरिया नज़र आ रहा है ये दरियाए गिलगित है और ये सीधा जा रहा है गिलगित के शहर में और शहर से गुज़र के ये फर्दर फिर आगे पड़ी बंगला के एरिया में ये जाके दरियाए सिंध से जाके मिलता है। और हम लोग आए हैं वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको नीचे दरख्त नज़र आ रहे हैं वो नीचे दरिया के नीचे पास जो है वो सड़क है दरिया, थोड़ा दरिया के इस तरफ, तो उस जगह से हमने चलना शुरू किया है। इन ये जो दरख्तों का झुंड है इसके बीच में से होते हुए हम लोग ये ऊपर गए हैं। बिल्कुल ये आगे और दरख्त आपको नज़र आएंगे। इस तरह हम लोग गए हैं जी, अभी दिखाता हूँ आपको। ये पीछे वैली है, इस वैली में हम गए हैं, ऊपर तक गए हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से जा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं। ये देखो भाग दौड़ शुरू हो गई है और ये पहली गाड़ी ने तकरीबन पत्थरों को क्रॉस कर दिया, दूसरी गाड़ी उसके पीछे और तीसरी उसके और चौथी बिल्कुल टक्कर मारने लगी है तीसरी को। मैं सही आ रहा हूँ? जी हम अखरोट के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि हम तकरीबन तकरीबन नज़दीक हैं, है ना? चलो जी, चलो जी, शाबाश। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत जो है ये दरख्त है अखरोट का, इसके बीचों बीच हम गुज़र रहे हैं। ये जो इसके पत्ते हैं, दिल करता है इसको मैं देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, क्योंकि ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर जो है वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है और ये हमारी आंखों के लिए अच्छा भी है, हैं? हाँ, ये इससे दांत साफ भी होते हैं, है ना? इसको वो क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, दंदासा हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हो। हाँ, हम लोग दंदासा कहते हैं। तो इसको एक दो तोड़ के लगाएं मुंह के साथ, यार मुंह लाल सुरख हो जाएगा। अच्छा, आगे भी है एक। बहुत मज़ा आया जी आज, मैंने गिलगित के एरिया में इस तरह की हाइकिंग जो है वो फर्स्ट टाइम की है और बिल्कुल जो है ना वो जिस्म जो है गर्म है और इसकी वजह से जो हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बस मैं क्या बताऊँ आपको, बस ऐसे ही भाग रहे हैं, भाग रहे हैं ऐसे ही। क्यों जी, मज़ा आ रहा है नीचे उतरते हुए? चढ़ते हुए तो बड़ी चीखें निकली थी हमारी, लेकिन उतरते वक्त जो है ना वो बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, ये रखें ना अपने पास, अभी नहीं करना है इसको, समझा करो। दिखाओ मुझे इधर। ये नाज़रीन कच्चे अखरोट तोड़े हैं, ये हमारा भतीजा है नवीद, इसने तो इसको आप यहाँ से काट के तो दांतों के ऊपर लगाएंगे तो आपके दांत साफ़ हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुंह लाल हो जाएगा और अजीब सा लगेगा, है ना? रहने देते हैं। ये पकड़ो जी। Oh, you don't want to know.
हो जाती है। नाज़रीन, ट्राउट फिश के फार्म से होके अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे एक होटल है, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, कोई चाय का अरेंजमेंट करते हैं उधर पहुँच के। कुछ क्यों जी, चाय वाय पीनी है ना? वाह जिंदाबाद, सख्त मूड है चाय का। जालमो कहा दिया है, शर्म नहीं आती आपको? शर्म है ही नहीं इनमें, बदतमीज। अब हम लोग पहुंच गए हैं जी नीचे, यानी नीचे से मुराद ये है कि जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने का, यही बात है ना? पहुंच गए हैं। वाह जी वाह। अभी हम लोग यहाँ से नीचे एक होटल है उधर रुकेंगे, होटल में फिर हम लोग चाय पियेंगे। नाज़रीन, ये होटल है जी जहाँ अभी हमने रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको चिकन पीस भी मिलेंगे, बारबेक्यू बेहतरीन किस्म का मिलेगा आपको। और ये क्या क्या तैयार कर रहे हैं दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, और नाज़रीन ये है जी ट्राउट फिश जो कि तैयार हो रही है, और ये चाय, और ये समोसे। यानी जब आप इधर आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। नाज़रीन, अब हम लेंगे चाय का गरम गरम कप, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। चाय से बहुत अच्छी। ये इसके ऊपर जो मसाला डाला ना, इसकी वजह से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो गया। हमने सादा सा काम इसलिए किया है कि हमारा जो घर है वो यहाँ से नज़दीक है, तो घर में जो है वो काफ़ी बाल पका हुआ है, उसको भी तो खाना है हमने, है जी। नाज़रीन, आपको आज की हमारी हाइकिंग कैसी लगी अपनी आरा से मुत्तला कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये है जी बाइक जिसके ऊपर हम लोग आए हैं, और दूसरा ये है जी। नाज़रीन, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये रोड मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये रोड जा रहा है सीधा चित्राल जा रहा है, तो पहले जो है वो गागूच आएगा, गुपिस वैली आएगी, उसके बाद जो है वो आगे फर्दर ये चित्राल की तरफ चला जाएगा। फिर चित्राल से आप यानी शंदूर टाप और चित्राल से होते हुए आप लोग सवाद जा सकते हैं। इधर मैं क्यों रुका हूँ मैं अभी बताता हूँ। यहाँ आपको जो है वो बुद्ध मत का एक स्टूपा मिलेगा, यानी बुद्ध मत मज़हब इस एरिया में था 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में। तो उसका जो स्टूपा है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो आए मेरे साथ, फॉलो मी। नाज़रीन, हम जिस जगह बैठे हैं ये है बुद्ध मत मज़हब का स्टूपा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में इसको बनाया गया।
तो इस एरिया में आपको बुद्ध मत के जो है वो फुटप्रिंट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, एक बुद्ध बना हुआ था जो कारगा बुद्धा जिसको कहते हैं, तो वो अगर आपने देखना है तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। वो मैंने लास्ट ईयर बनाया था इधर आके। तो ये है जनाब स्टूपा बुद्ध मत मज़हब का। तो अब चलते हैं गिलगित की तरफ। चलो जी,